हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं बहुत ही आसान तरीके से मोजे बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे मोजे बिल्कुल रेडीमेड के जैसे ही बनेंगे। जैसे हम रेडीमेड जूते खरीदते हैं वैसे ही लगेंगे। यहाँ मैंने कपड़े को डबल करके रखा है। मोजे के मेजरमेंट के लिए मैंने स्लीपर रखा है। इसको आधा इंच ज़्यादा मार्क करना है और ये मार्क किया है, यहाँ से हमें कट कर लेना है। हमने दो पीस कट कर लिए हैं पैरों के। अब हम ऊपर वाला हिस्सा कट करेंगे। इससे हमें दोनों साइड 1-1 इंच ज्यादा लेना है और ऊपर का हिस्सा सेम ही रखना है। ऐसे मार्किंग करके फिर हमें इसे कट कर लेना है। तो ये ऊपर का दो पीस कट हो चुका है और अब हमें इन सभी के दो दो पीस और लेने हैं। इन सभी के दो दो पीस हमने कट कर लिए हैं। तो ये दो पीस और ये दो पीस, ये नीचे का दो पीस और ये ऊपर वाला दो पीस, सभी हमने रेडी करके कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले पैरों वाला हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा नीचे रखेंगे, बीच में फोम की शीट रखेंगे और ऊपर मेन पार्ट रखेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम फोम की शीट रखेंगे। फोम की सीट रखने से इसमें मोजा गर्म भी रहेगा और मुलायम भी रहेगा। तो इन तीनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए कॉर्नर पे स्टिच लगाएंगे ताकि फोम की सीट कपड़े में अच्छे से अटैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। स्टिच लगा के बचा हुआ फैब्रिक हमें कट कर लेना है। फिर यहाँ हमें लंबी सिलाई लगानी है डिजाइन की जैसे। ये दोनों पैरों में हमें डिजाइन लगा दी है। सेम इसी तरह से ऊपर वाले दोनों पार्ट में भी चेक्स की स्टिच लगा दी है। अब हमें 1.5 की एक पट्टी ऊपर के वाले पार्ट में स्टिच लगानी है। इन दोनों को हमने स्टिच करनी है और फिर इसे बेंड करके एक टॉप स्टिच और लगानी है ताकि ये हमारी पट्टी पाइपिंग के जैसे बहुत ही अच्छे से फिट हो जाए। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगानी है। अब हम इन दोनों हिस्सों को ऊपर से थोड़ा कट करेंगे। पैरों वाले पार्ट को भी बीच में हम सेंटर में निशान लगाएंगे और ये निशान और ऊपर वाला पार्ट का जो ये कट, दोनों हमें आमने सामने रख के यहाँ पे थोड़ी सी स्टिच लगानी है। फिर जहां तक ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है वहां मार्क करेंगे और ये मार्क से हमें मेजर करना है। तो यहां से हमारा मेजर आ रहा है 30.5। तो 30.5 की एक पट्टी कट करनी है, आधा इंच हमें सिलाई के लिए रखना है, तो टोटल हमें 14 लेनी है और ये पट्टी को हमने डबल करके रखा है और इसकी विड्थ भी हम लेंगे 2 इंच। इन दोनों में भी हमें पाइपिंग करनी है। फिर इस पट्टी को ऊपर वाले हिस्से में अटैच करेंगे। दोनों साइड हमें अटैच करेंगे। यहां हमने अच्छे से स्टिच लगानी है ताकि ये पार्ट बहुत ही अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पे 2-3 स्टिच मैंने लगाई है ताकि इसकी मजबूती बहुत ही अच्छे से हो जाए। फिर इसको हम चारों ओर स्टिच लगा के जॉइंट कर लेंगे। फिर
फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। ये अच्छे से जॉइंट हो चुका है हमारा। अब हमें इसकी चारों ओर पाइपिंग लगानी है। सेम इसी तरह से पाइपिंग लगानी है, आगे के पार्ट में हमने लगाई थी इसी तरह। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डिजाइन का मोजे चाहिए, बच्चों का या बड़ों का, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वैसे वीडियो में आपको जरूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मोजा रेडी है, बिल्कुल रेडीमेड के जैसे ही परफेक्ट लग रहा है। आप भी इस वीडियो को देख के इजीली घर पे बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।